अस्सलामुअलैकुम। अम्ब्रोजिया का बड़ा ही खूबसूरत जी एक हिट आर्टिकल है जो हम लोगों ने अपने क्लाइंट के लिए रेडी किया है, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। बड़ी ही खूबसूरत सी इसकी लाइन नेकलाइन रेडी की है जी हम लोगों ने, एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसके नीचे इनर वैसे ही इंस्टॉल किया गया जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से इनर जो है आपने इतना इनर रखना है नेक पे, तो हम लोगों ने उसी तरह से इनर इसमें रखा है। इस तरह से ये नेक लाइन की लुक आ रही है और बड़ी ही हसीन लग रही थी, सीरियसली बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वैसे फैब्रिक जो नेट नेट था इसके शर्ट का, और इस पर बड़ी खूबसूरत हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग कितनी खूबसूरत इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये कुछ इसके अपने पैचेस थे जो एप्लिक हुए थे इस पर, इसके दामन पे। अच्छा जी, और इस तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसके ये दामन पे। हम लोगों ने हैंडमेड जो है इस तरह से ये लेस बना के इस पर हैंगिंग्स ऐड किए थे, और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल सेम इसकी मैचिंग के हम लोगों ने इस पर ये लगाए थे। बैक साइड पे आप देख सकते हैं शैमो सिल्क की, शिमर शैमो सिल्क की इसकी हम लोगों ने डोरी पाइपिंग की है हाथ की तुपाइयों के साथ। ये इसका स्ट्रेट ट्राउज़र था जिसपे कुछ इसके पैचेस बचे थे, तो हम लोगों ने इसके ट्राउज़र पर ऐड कर दिए थे। ये इसके स्लीव्स हैं जी, बड़ी ही खूबसूरत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स थी। शोल्डर की फिनिशिंग आप चेक करें कितनी खूबसूरत है, और सेम इसी तरह से जिस तरह से दामन पे लेसेस ऐड की थी इसी तरह से हम लोगों ने इस पर स्लीव पे भी ऐड की थी। दुपट्टा तो इसका बड़ा ही खूबसूरत था, नेट का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। ये इसके लॉन्ग साइड पर इस तरह से इसकी लेसेस ऐड की थी, और बैक साइड पर शैमोस शिमर सिल्क का हम लोगों ने इसकी भी डोरी पैपिंग की थी और हाथ की तुरपाइयों के साथ। पल्लू तो इस दुपट्टे के कमाल ही थे, बहुत हैवी इसके एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू थे, और इस तरह से फिर हम लोगों ने इसको लाइट वेट करने इसको फिनिशिंग भी देनी थी और इसके लुक भी अच्छा देना था, तो हम लोगों ने गोटे का इस तरह से हम लोगों ने इसके लेस बना के, खुद हैंड मेकिंग है ये, बना के हम लोगों ने इस पर ऐड की। और बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि कितना लॉन्ग कपड़ा लगा के हम लोगों ने इसको फिनिशिंग दी। तो दुपट्टा तो क्या ही औसम लग रहा था, बहुत ही हैवी और ख़ूबसूरत दुपट्टा बना था इसका। ये बैक साइड पर लुक दिखा रही हूँ मैं आपकी इसको, कि जितना इसके पीछे बॉर्डर आ रहा था सारे पे हम लोगों ने इस पे फैब्रिक लगा के इसको फिनिशिंग की दी थी। तो ये फाइनल लुक था जी दुपट्टे का, और बड़ा ही खूबसूरत पूरा सूट ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रहा था। सीरियसली मेरी क्लाइंट इतनी खुश थी कि उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये सूट स्टिच करके हम लोग उनको इतना प्यारा बना के देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियोस में स्टिचिंग पसंद आ रही है प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लग रही है। अगर कोई गलती है तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप बहनों से बड़ी उम्मीद है मुझे कि आप लोग मुझे प्रमोट करेंगे ताकि मेरा ये जो काम है इंशाल्लाह ताला इसमें मुझे मोटिवेशन मिले और इसमें अपने काम को और बढ़ाऊँ। वैसे तो हमारी स्टिचिंग की फिनिशिंग और हर चीज़ आपके सामने है, यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, और आई होप सो कि आप लोग इसको पसंद भी करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पूरी देखा कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। जजाकल्ला खैर।